हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए परवल की सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। एकदम नए तरीके से बनाया है। यदि आपके घर में कोई गेस्ट आने वाले हों, यदि आप तीन तरह या चार तरह की सब्ज़ी बना रहे हैं, तो इसमें से एक सब्ज़ी इसे ज़रूर से बनाएँ। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और सभी को बहुत पसंद आएंगे। आप इसे लंच या डिनर किसी भी टाइम बना सकते हैं। देख सकते हैं कितने सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं और इसमें एकदम अंदर तक मसाले गए हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो परवल मसाला फ्राई बनाने के लिए मैं यहाँ पर 500 ग्राम परवल ली हूँ। परवल ये सादी वाली परवल है, एक हरी वाली परवल आती है वो नहीं, बल्कि मैंने सादी वाली परवल ली है। तो परवल को मैंने सारे काट के आगे रख लिए, लेकिन मैंने एक पीस रखा है आपको दिखाने के लिए। तो इसे हम चाकू से हल्का हल्का खरोच देंगे। जी, इसके ऊपर में पतली वाली स्किन होती है ना, उसे ही हम खरोच कर निकालेंगे। इसे इसके छिलके को हम पूरा नहीं निकालेंगे। तो देख सकते हैं परवल को मैंने इस तरह से खरोच लिया है। अब हम इसके अगले भाग और पिछले भाग को कट कर देंगे। अब इसे हम बीच से कट करेंगे, इसे हम पूरा नहीं काटेंगे। इसके नीचे के जॉइंट को हम रहने देंगे। एक बार इस तरह से काट लेते हैं और फिर से हम इसे एक बार इस तरह से काट लेते हैं। यानी एक पटल को मैं चार भागों में काट रही हूँ, लेकिन नीचे का भाग जॉइंट ही है। तो सारे पटल को मैंने काट कर धोकर रख लिया है। तो सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और सारे पटल को उसमें डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़ी सी नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और इसे हम इस तरह से मिला लेंगे। तो देख सकते हैं सारे परवल पर मैंने हल्दी और नमक लगा लिया है। इधर गैस पर मैंने कढ़ाई को आगे ही चढ़ा दिया था। अब इसमें हम 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। तो देख सकते हैं तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब जो मैंने परवल में नमक और हल्दी लगा कर रखा था, उसे हम एक एक कर सारे परवल को तेल में डाल देंगे। बाउल में जो नमक और हल्दी बचे हुए, उसे भी हम इसमें डाल देते हैं और इसे हम अच्छी तरह से चला लेते हैं। इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर ढक ढक कर तब तक भुनेंगे जब तक कि हमारा परवल सॉफ्ट ना हो जाए और परवल अच्छे से सुनहरे ना हो जाए। इसे हम बीच बीच में चलाते हुए भुनेंगे। तो देख सकते हैं परवल हमारा अच्छे से भुन गया है। मैंने इसे 10 से 15 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए भुना है और परवल हमारा अच्छे से भुन गया है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और एक एक परवल को हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं परवल को मैंने किस तरह से भुना है। इस तरह से यदि परवल को भुनेंगे तो परवल की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है। अब कढ़ाई में थोड़े से तेल बचे हुए थे, उसी में हम 1 चम्मच और तेल डालेंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले लिए हूँ, जिसमें मैंने 1 चम्मच जीरा, 3 से 4 लौंग, 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, 1 हरी इलायची जिसका मुंह मैंने खोल दिया है और 1 तेज़पत्ता या मैं 2 सूखी मिर्च भी ली हूँ। तो सबसे पहले मिर्च को हम हाथों से तोड़ देंगे और सभी चीज़ों को हम गर्म तेल में डाल देते हैं। इसे हम थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। तो सूखे मसाले हमारे अच्छे से भुन गए। मैं यहाँ पर एक बड़े साइज़ के प्याज को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में काटा है। इसे हम तेल में डाल देंगे और इसे हम हल्का सुनहरा होने तक भुनेंगे। तो देख सकते हैं प्याज हमारा अच्छे से भुन गया है। इसमें अब हम 1 चम्मच अदरक का लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसे भी हम कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो देख सकते हैं अदरक लहसुन भी हमारा अच्छे से भुन गया है। तो सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से भून लिया है। अब 1 चम्मच इसमें भरकर धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर, यहाँ पर मैंने 1 चम्मच जीरे को तवे पर भून लिया था और इसे मैंने दरदरा पीस लिया है, उसे भी हम इसमें डाल देंगे। इससे परवल की जो सब्ज़ी बनेगी वो बहुत ही टेस्टी बनेगी। इसे ज़रूर से डालिएगा, एक बार डालकर देखिएगा, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। अभी मैंने गैस के फ्लेम को एकदम कम कर दिया है और इसे धीमी आँच पर हम कुछ सेकेंड के लिए भून लेते हैं। तो धीमी आँच पर मसालों को मैंने कुछ सेकेंड के लिए भून लिया है। अब मैं यहाँ पर 2 चम्मच दही ली हूँ। दही को हम सबसे पहले थोड़ा सा फेंट लेते हैं। अब हम दही को इसमें डाल देंगे। कटोरी में जो भी थोड़े से दही लगे हुए हैं, उसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर उसे भी हम इसमें डाल देते हैं और इसे एक बार हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अभी मैंने गैस के फ्लेम को एकदम लो ही रखा है। अब इसमें हम
स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक ध्यान से ही डालिएगा क्योंकि परवल को भूनते समय भी मैंने नमक डाला था। इसमें हम थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे। अब हम गैस के फ्लेम को एकदम कम कर देंगे और इसे हम ढककर थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं, जब तक कि हमारे मसाले अच्छे से भून ना जाए और इसमें से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो धीमी आंच पर मैंने इसे 2 से 3 मिनट तक भून लिया है और देख सकते हैं मसाले हमारे अच्छे से भून गए हैं और इसमें से ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब जो मैंने परवल को भून कर रखा था उसे हम मसाले में डाल देंगे। एक बार इसे हम मसाले के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो परवल का मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम पानी थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि परवल हमारा आगे से ही सॉफ्ट है और मसाला भी हमारा अच्छे से भुन गया है। मैं इसे सूखी सब्जी बना रही हूँ, यदि आप ज़्यादा ग्रेवी वाली पसंद करते हैं तो ज़्यादा पानी डाल दें। पानी को डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा कसूरी मेथी। फिर से हम इसे ढक देंगे और 2 से 3 मिनट तक इसे हम धीमी आँच पर पका लेते हैं। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और देख सकते हैं परवल मसाला फ्राई हमारा बनकर तैयार है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसके आगे आप मटन चिकन भी भूल जाएंगे, इतने टेस्टी लगते हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं और इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए, हमारा टेस्टी मसाला परवल फ्राई बनकर तैयार है। यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसे मैंने बहुत ही अलग तरीके से बनाया है। एक बार यदि आप इसे बनाकर किसी को खिलाएंगे तो सभी को बहुत पसंद आएंगे। मैं दिखा रही हूँ आपको कि देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं और इसके अंदर तक मसाले गए हैं। यदि आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू।